हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा अगेन, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक शीर्षक कटाए नहीं उत्तरदायित्व से, कभी कतराए नहीं उत्तरदायित्व के शीर्षक पर एक कहानी लेके आ रहा हूं। मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं कि कतराए नहीं उत्तरदायित्व से। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेडरिक ट्रूमैन की मेज पर एक छोटी तख्ती लगी थी जिसमें लिखा था द बक्स स्टॉप्स हियर, अर्थात अब निर्णय लेने की अंतिम जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। इस संदेश का महत्व क्या था? ट्रूमैन ये जानते थे कि नीचे के स्तर के अधिकांश अधिकारी राष्ट्रीय महत्व के कोई निर्णय नहीं ले पाते थे, परिणाम स्वरूप सभी महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति को ही लेने पड़ते थे। निर्णय लेने से कतराना मानवीय स्वभाव है। बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी का पूरी तरह पालन करने में नहीं हिचकिचाते। जिस संगठन में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने हिस्से के काम अपने स्तर पर निपटा ही देते हैं, वहां दक्षता का एक गमत वातावरण निर्मित हो जाता है तथा वह संगठन प्रतियोगितापूर्ण विश्व में अग्रणी स्थान बना लेता है। दूसरी ओर से काम को करने में कतराने वाले लोगों का समूह एक संगठन को ढीला डाला एवं बेतरतीब बना देता है। उस कुशलता विहीन संगठन में हर व्यक्ति अपने काम को या तो ऊपर के अधिकारियों की तरफ ढकेल देता है अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों पर डाल देता है। ऐसे लोग की जो जिम्मेदारियों को से कटराते हैं, परिवार, संगठन एवं राष्ट्र के लिए बोझ बन जाते हैं। जिम्मेदारी से कतराने वाला व्यक्ति अपने संगठन को निश्चित रूप से निर्भर बनाता है। कुछ बहाने हैं काम को आगे पीछे तथा ऊपर नीचे धकेलने वाले अधिकार को सामान्यतः कुछ बहाने बताते हैं, जैसे मैं पहले से ही बोझ से दबा हूं, ऐसा काम मैंने कभी पहले नहीं किया है, मैं तो संगठन में नया नया हूँ, इतनी जिम्मेदारी का निर्णय तो बॉस को ही लेना चाहिए, मुझसे गलती हो गई तो मैं ही फंसूंगा, दूसरा व्यक्ति इस काम में अधिक विशेषज्ञ है, अरे साहब ज़्यादा काम से मिलता भी क्या है, इस निर्णय में तो बहुत जोखिम है। संगठित कारण बग पासिंग की संस्कृति में कुछ संगठित कारण हैं और तथा कुछ व्यक्ति जिन संगठनों में निम्नलिखित कमजोरियां होती है उनमें काम दूसरे पर टालने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। यदि बॉस सारे निर्णय स्वयं लेने की इच्छुक हो, ऐसे संगठन में केंद्रीयकरण की मात्रा अत्यधिक होती है तथा मध्य एवं निम्न स्तर के अधिकारी निर्णय नहीं ले पाते हैं। जहां प्रत्यायोजन डेलीगेशन की परंपरा निर्बल हो, जहां संप्रेषण मींस कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की ओर ही अधिकांशतः चलता हो, नीचे से ऊपर की नहीं, जहां कार्य विभाजन अस्पष्ट नहीं हो, जहां टीम निर्माण पर कम बल दिया जाता हो, जहां कार्य का मूल्यांकन नियमित रूप से नहीं किया जाता हो, यहां अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा एवं पुरस्कार का अभाव हो एवं पदोन्नति का आधार निष्पत्ति पर नहीं हो, जहां काम कम करने की कोई सजा नहीं हो, जहां काम में गलती की सजा जरूरत से ज्यादा हो, जहां संगठन के पारस्परिक विश्वास का अभाव हो। इनके अतिरिक्त कुछ कारण ऐसे भी हैं जो एक व्यक्ति की योग्यता अथवा उसके दृष्टिकोण से संबंधित है। जिम्मेदारी से कतराने वाले व्यक्ति अथवा काम को दूसरे पर टालने वाले व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होती है जो संक्षेप में इस प्रकार होती है। यदि उस व्यक्ति में योग्यता की कमी हो, यदि उसमें आत्मविश्वास का अभाव हो, यदि वह व्यक्ति डरपोक किस्म का हो, यदि वह व्यक्ति कमजोर हो, यदि उसमें कार्य के प्रति लगाव एवं प्रतिबद्धता न हो, यदि उसे निर्णय लेने की कला का ज्ञान न हो, यदि उसमें नेतृत्व के गुण कम हो, यदि वह अपने बॉस से खुला न हो और दूरी रखता हो,
यदि वो आरंभ से ही दूसरे के अधीन कार्य कर रहा हो, यदि भूतकाल में उसे किसी काम के पहल करने के कारण कोई नुकसान हुआ हो, यदि उसे यह एहसास हो कि काम नहीं करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, यदि दूसरों से उसकी आवश्यकता से अधिक सहायता की हो तथा वह आत्मनिर्भर के गुण से वंचित हो रहा हो, यदि उसके मन में कुछ कर गुजरने की कोई अभिलाषा ही ना हो, यदि उसके चिंतन में गंभीरता का अभाव हो तथा वह उत्तरदायित्व के क्षेत्र में परिपक्वता प्रदर्शित न कर पाया हो, तो इसका निवारण क्या है? एक दक्ष एवं प्रवीण संगठन के बग पासिंग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयत्न निरंतर किया जाता है। इसमें निम्नलिखित रीतियों एवं नीतियों का पालन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। संगठन में लक्ष्यों को निर्धारण एवं कार्य विभाजन के समय संबंधित कर्मचारियों से विमर्श करने से उनकी उन लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता सुदृढ़ होगी तथा वह उस कार्य की जिम्मेदारी से करेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। जॉब चार्ट अस्पष्ट होना चाहिए, इससे कार्य अस्पष्टता की भावना में अभिवृद्धि होगी। संगठन में विकेंद्रीकरण एवं प्रत्यायोजन की व्यवस्था सुसंगत होनी चाहिए। संप्रेषण सभी दिशाओं से होनी चाहिए। नीचे के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश तो मिलने ही चाहिए, किंतु वो भी अपने बात ऊपर तक कह सके, ऐसा वातावरण वांछनीय है। टीम निर्माण की प्रक्रिया का सशक्त बनाना चाहिए, जिससे टीम के प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व स्पष्ट हो सके। संगठन में अपनी जिम्मेदारी निभाने वालों को प्रशंसा मिलनी चाहिए तथा जो ऐसा नहीं करते उन्हें परामर्श अथवा दंड जैसा भी आवश्यक हो दिया जाना चाहिए। अपनी पहल से रचनात्मक कार्य करने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त मात्रा में जोखिम उठाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इस दौरान होने वाले गलतियों को अनुभव प्राप्त करने का साधन मानना चाहिए। हिम्मत तथा पहल जो संगठन के हित में की गई हो उसका दंड नहीं मिलना चाहिए। अधीनस्थ को वाजिब गलतियों को अधिकारी द्वारा अपने ऊपर भी ले लेनी चाहिए। एक कार्मिक के निष्पत्ति मूल्यांकन में इस बात की भी समीक्षा की जानी चाहिए कि वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किस प्रकार कहता है। क्या वो उत्तरदायित्व से कतराता है अथवा उसका स्वागत करता है? कार्मिकों को अपना कार्य करने हेतु आवश्यक ज्ञान और विधाओं का प्रशिक्षण देना चाहिए, इससे उनकी योग्यता एवं आत्मविश्वास में अभिवृद्धि होगी। प्रशिक्षण में सबसे अधिक ध्यान निर्णय लेने की विधि पर होना चाहिए। निर्णय क्षमता की अभिवृद्धि बग पासिंग की प्रवृत्ति को समाप्त कर सकता है। अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होने को था। अमेरिका के दक्षिणी भाग के विद्रोही सेना युद्ध के मैदान में मात खाकर वापस कूच कर रही थी। शत्रु की भागती सेना पर अंतिम आक्रमण करने की सलाह अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने सेनापति को दी। सेनापति हिचकिचाया, क्या पता शत्रु का उल्टा वार घातक साबित हो। ऐसा होने पर सेनापति की ख्याति पर दाग लगेगा। लिंकन बात को समझ गए। उन्होंने अपने सेनापति को पत्र लिखा, सेनापति जी, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप शत्रु की लौटती सेना पर आक्रमण करें, तथा उस सेनापति से कहा, यदि तुम जीत जाओ तो मैं कहूंगा कि पहल तुम्हारी थी, यदि दुर्भाग्य से हार जाओ तो यह पत्र दिखा देना सबको, तुम्हारा दोष नहीं मानेगा कोई। युद्ध जीत लिया गया, यह था कि लिंकन का कमाल। कैसे कतराएगा कोई व्यक्ति ऐसे नेता के साथ काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।